वो देख फंस गई फंस गई फंस गई। पकड़ियो गाड़ी फंस गई यार भाई, इजी नहीं है बिल्कुल भी भाई। चलते हैं थोड़ी हेल्प करा देते हैं इनकी। हाँ नहीं नहीं पीछे लेनी पड़ेगी भाई, पीछे करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, अटकी हुई है, पीछे करके यहाँ से काटनी पड़ेगी। धक्का लगवा देते हैं, धक्का लगाएं पीछे से। यहाँ पीछे से मारे, आगे हम भी पहली बार जा रहे हैं। बताओ पीछे से धक्का मारे हैं आगे से, है ना, पीछे से मारते हैं। चलो इधर से आ जा। भाई 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 सुनो, वो टायर घूम भी नहीं रहा, वो टायर नहीं घूम रहा भाई, घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया। अब करो अब करो, हो जाएगा अब हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज की जो सुबह जो है वो हम टांडी से कर रहे हैं, और कल का दिन जो है हमने अराउंड 575 किलोमीटर्स जो है हमने राइड करी थी। काफ़ी ठंड हो रखी है यहाँ पे और बढ़िया नींद आई रात को। तो आज का जो प्लान है वो है सूरल भटूरी का, यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर है और कंप्लीट ऑफ रोड होने वाला है। आज जो है बढ़िया एडवेंचर होगा और उम्मीद है आपको आज का जो व्लॉग है ना बहुत बढ़िया लगेगा। तो अभी जो है हम दोनों उठे हैं, एक ये हाँ भाई कल क्या हो गया था तेरे को? कुछ नहीं हुआ था भाई, कल ठंड बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आगे स्नोफॉल भी हुई थी। अच्छा, ये स्नोफॉल हो रही थी बट यहाँ भी ठंड काफी ज्यादा था। जैसे आप देख लो माइनस टेन टेम्परेचर जैकेट पहन रहे हैं हम, तो आप समझ सकते हो कितनी ठंड होगी। और मैंने तो मौसम की बात ही नहीं करी, मैंने तो तेरे हालत की बात करी थी। हालत तो भाई ठीक है, हालत कौन कह रहा, हालत तो सबसे ठीक है। आएगा अगली बार बाइक पे फिर से। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। अच्छा जी भाई, देखियो तेरा ये वाला ब्लॉग फेमस हो जाएगा। क्यों? पता है कौन आया? हाँ इसमें मनीष आया। ओह वहाँ के व्यूज और सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ते हैं मेरे भाई। अच्छा फेमस है खुद ही। तो ये लो भाई, व्यू भी एंजॉय करो यहाँ। अब लगभग 11 बज चुके हैं, अब टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। यो भगवान का नाम ले लेते हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। तो चलो गाइस, आज जो है बारिश मिलने वाली है हमें बहुत, तो उसके लिए हमने रेनकोट वगैरह पहले ही पहन ली। बैठ जा। ओए होए भाई, बढ़िया मौसम हो रखा है आज तो, ठंडा ठंडा। और आज जो है
हमें जाना है सुरल भटूरी। रास्ता जो है बता रहे हैं, मैंने एक बंदे से पूछा था, 40-50 किलोमीटर जो है हमें रोड सही मिलेगी, उसके बाद जो है हमारा ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ओ ये देख, ओ भाई ये जो पहाड़ है ना, पूरी चट्टाने भाई ढकी पड़ी हैं। ये देखो पूरी चट्टाने ढकी पड़ी है भाई बादलों से। ये देखो भाई लेफ्ट में नीचे पूरा गांव है भाई, क्या सुंदर लग रही है नदी, एक नंबर भाई एक नंबर, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ भाई, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ना सच में। आज की जो राइड स्टार्ट होते ही भाई जो नज़ारे हैं एक नंबर, स्वाद आ गया। लोटे, सो सबसे पहली लोकेशन जो पड़ेगी वो लोटे, लोटे एक मेरे दोस्त का नाम भी है, लोटा भाई। पेड़ों से ढका हुआ रोड, और भाई बस आ गई फिर से, बस आ गई, रे 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 भैया हम ज़्यादा अंदर नहीं करेंगे, धुआँ छोड़ता हुआ जा रहा है। तो ये सबसे पहला गांव पड़ता हुआ यहाँ पे, उदयपुर जो है अभी 41 किलोमीटर है, तो उदयपुर से पहले त्रिलोकनाथ टेंपल पड़ता है। अरे भाई ये तो चीता हुआ ले जा रहा है भाई, ये कुछ कुछ ड्राइवर मानते नहीं है बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं भाई, कि बंदा थोड़ा बाइक पे आ रहा है थोड़ा इजी निकाल लूँ, थ्रिल दे के जाते हैं बिल्कुल। गाइस अभी देखना एक सामने पहाड़ से आता हुआ वाटरफॉल, क्या तगड़ा लग रहा है, ये देखो भाई बहुत ही अमेजिंग व्यू है इसका। ओ भाई गाइस इस कर्व के बाद देखना अभी जो नज़ारे आने वाले हैं, अरे भाई पानी उड़ रहा है सड़कों पे, गोलियां चल रही हैं पानी की, ठह 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 ठह। ये देखो इन्होंने भाई ये लगा रखा है फार्मिंग के लिए, पर पानी तो प्रॉपर मिल ही रहा है भाई, बारिश ऐसा कौन सी फसल उग रही है जिसको पानी बारिश के बाद भी पानी चाहिए। ये देखो स्नो का साइन भी बना हुआ है, और ये मंदिर आ गया है एक बार, जय बजरंगबली। ब्रो इन द सर्विस ऑफ नेशन, भाई एक बार ब्रो को भी थैंक्स कर देंगे, ये जो यार ऐसी जगहों पे जो रास्ते बनाते हैं ना, इनकी वजह से ही हम यहाँ पे आ सकते हैं यार, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता। लोटे के विलेज में आ गए हम, सो दिस इज लोटे। अब मेरे को नहीं पता भाई कैसे स्पेल करते हैं, LOTE लिखा हुआ था तो मैंने लोटे बोल दिया। अब यहाँ से उतरते ही आज का हमारा पहला जो है ब्रिज आने वाला है, और नीचे से नदी जा रही है, मेरे को रिवर का नाम तो नहीं पता, अगर पता लग जाएगा तो मैं मेंशन कर दूंगा। ये चढ़ गए हम ब्रिज पे, थैंक्स थैंक यू वेरी मच। और अब तो हम है ना थोड़ा नीचे आ गए हाइट से, वो पहाड़ बिल्कुल ऊपर हो गए हैं, ये ऊपर ऊपर बड़ी चट्टाने। ओ भाई ये देखो ये कितना सही लग रहा है, यहाँ ऊपर पानी आता हो, फ्लो बहुत तेज़ हो रखा है पानी का, पूरा ग्लेशियर पिघल के जा रहे हैं और हम चले इसके ऊपर से। नो पार्किंग, नहीं भैया पार्किंग नहीं करेंगे इस पर, निकल लो भाई, पानी बिल्कुल साफ क्रिस्टल वाटर। मनाली तरफ तो यार वैसा रेतीला वाला पानी हो रखा है, वहाँ पे ठंड के टाइम पे साफ पानी दिखता है नदी में। Mr.
तो अभी हम ड्रोन शॉट लेने के लिए रुके हुए थे, बढ़िया लोकेशन थी वहाँ पे, हम अपने शॉट लिया और हम चल रहे हैं आगे। और हाँ यार, आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पे नए हो और जो मेरी वीडियोस देखते हो, आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाके यार सब्सक्राइब कर दो, और कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स है ही, जाओ कमेंट करो और बताओ क्या कमी लग रही है। बाकी आपको नज़ारे हम बढ़िया बढ़िया दिखा ही रहे हैं और दिखाते रहेंगे। तो अब यार बहुत तेज़ बारिश आने लग गई है, हाथ भी बिल्कुल भीग गए हैं, ठंड लग रही है हाथों में। बाकी और तो सब ठीक है, बस हाथों का इशू है थोड़ा सा, पर कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। बारिश की बूंदें भी मतलब ऐसे चला रहे होते हैं ना, ऐसे मुंह पे आके लगती है, और ये वाइज़र बंद करूँ तो भाई विजिबिलिटी ज़ीरो, कुछ दिखता ही नहीं है, खोल के चलानी पड़ती है वाइज़र यार। बाकी मैंने टेम्परेचर चेक करा था, मतलब जिस जिस रास्ते से होते हुए जाएंगे, बारिश दिखा रहा है भाई 7 बजे तक शाम को। इट मीन्स आज की जो पूरी जर्नी है हमने बारिश में ही कवर करनी है। टिंडी 34 किलार 89, और अब मेरे को थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ती दिखाई दे रही है। खैर अभी तक तो रोड बिल्कुल सही है, यहाँ पर पत्थर पड़े हैं थोड़े। तो गाइस ये रहा त्रिलोकनाथ टेंपल की एंट्रेंस, तो अब हम यहाँ से चलेंगे अंदर की तरफ। ऐसे निकलेंगे, मंदिर है ना रास्ते से, ऐसे होता जाएगा। तो ऊपर से जो रोड जा रही है वो सीधा निकल जाएगी उदयपुर टिंडी के लिए, रोड ये भी जाएगी, पर ये ऐसे होते हुए जाएगी, मतलब आगे जाके मिल ही जाएगी उस रोड पे। तो हम त्रिलोकनाथ टेंपल जा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए तो। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ब्रिज है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा झंडे हैं, ये देखो यार। और नीचे से जा रही है नदी, ये थोड़ा ब्रिज है थोड़ी हाइट पर है। ये ले लिया हमने लेफ्ट, ये चढ़ गए ब्रिज पे, क्या बात है भाई, बहुत सुंदर ब्रिज है। ये आ गई हैं बकरियां रास्ते में, मैं हट जाओ भैया, जगह दे दो बकरियों, बहुत ही ज़्यादा बकरियां हैं, भगे जा रही हैं, बारिश में कहाँ घूम रही हो, घर जाओ अपने। मैं ये चढ़ जाती हैं भाई, ये खड़े पहाड़ पे भी ना बकरियां, टैलेंट है इनमें भी, बकरियां गॉट टैलेंट। ये भाई थोड़ी चढ़ाई वाला रास्ता था, और तेरी, चलो चलो आराम आराम से। ओ भाई लकड़ी वाला ब्रिज, लोहे है भाई इसमें तो। त्रिलोकनाथ धाम में आपका स्वागत है। अब हम पहुंच गए हैं त्रिलोकनाथ धाम, भाई हाथ तो सोइल हुए थे, बिल्कुल सूज गए थे, अभी रगड़ रगड़ के थोड़े ठीक करे हैं। और ये है यहाँ पे देखो बारिश कितनी तेज हो रखी है, और ये देखो। तो अभी हम मंदिर के अंदर अभी जाएंगे, पहले चाय पी रहे हैं, ठंड लग रही थी आंखों में बहुत, और ग्लव्स यार हमारे पे वाटर प्रूफ नहीं है, देखते हैं इसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे। बाकी ये देखो यार हेलमेट भी भीगे हुए हैं, ये हम भी भीगे हुए हैं, ये देखो हाथ अभी भी रगड़ रहा है, चाय पीते हैं यार पहले तो। तो गाइस ये देखो यार स्नोफॉल जो है स्टार्ट हो गई है, थोड़ा आगे यहाँ पे बारिश हो रखी है, यहाँ पे बारिश हो रही है, थोड़ा आगे यहीं पे वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, ये देखो हल्के हल्के अगर आपको दिखे। तो अब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं, हमने जो है बाइक्स देखो वहाँ पे लगा रखी है ये रही, और यहाँ से मंदिर की एंट्रेंस, ये देखो भाई पन्नी लेनी पड़ी है भाई, वाटरप्रूफ शूज़, वाटरप्रूफ जो है ग्लव्स बहुत इम्पोर्टेंट है,
अगर आप बारिश की किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो भाई, अभी आज जो है ना ऐसे गंदे फ्रीज हो जाते हैं ना, सूज जाते हैं और दर्द करने लग जाते हैं। और ये देखो यार रास्ता, ऐसा रास्ता है भाई, बर्फ पड़ी है यहाँ पे, यहाँ मंदिर और वहाँ पे तो गाइज यहाँ पे स्नोफॉल होनी स्टार्ट होगी। ये देख सकते हो आप, हम दर्शन करके आगे मंदिर के अंदर से अब हम आगे बढ़ रहे हैं उदयपुर के लिए, और देखते हैं यार जहाँ तक जा पाएंगे क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा है। तो बोलो हर हर महादेव। ये निकल गए हम धाम से, ये देखो भाई मोटी मोटी लेयर होती जा रही है बर्फ़ की। क्या हुआ किसको? वही पहन ले, मैंने पहन रखे गीले, वो वीडियो बना दियो, बहुत तगड़ा व्यू आ रखा है। ये देखो भाई बर्फ पड़ने लग गई है, बारिश और बर्फ मिक्स हो रखी है अभी। और यार ग्लव्स भी पूरे भीगे हुए हैं। उदयपुर में देखते हैं कुछ जुगाड़ करेंगे। तो गाइस अब ये रोड देखो पूरी ऐसे ऊपर जाती हुई दिख रही होगी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। बस उदयपुर पहुंचने वाले हैं हम, उदयपुर रुकेंगे यार, ये हाथ का सेटअप करना है पहले क्योंकि इतनी लंबी नहीं चलाई जाएगी यार ठंडे हाथों के साथ। रोड भाई भयंकर दिखने लग गई है कति तो भाई, और पानी देखो लेफ्ट में और कितनी चौड़ी नदी हो गई है यहाँ पे। कंप्लीट ऑफ रोड स्टार्ट हो गया और भाई साहब खतरनाक वाटर क्रॉसिंग, तेज पानी आ रहा है। तू जा रहा है पहले? हाँ जा, बनाइयो पीछे देख के, चल 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 भाई। मेरे ख्याल से उदयपुर पीछे रह गया है? चल टिंडी है आगे, टिंडी चल चल चल। वो बहुत ही तेज चलता पानी था भाई। खैर बाइक में जान है अपनी यार भाई। ये देखो गाइस निकाल लेगा, पैर नीचे रखे हो, रोके हो मत और पहले गिर पे। तो भाई ये बहुत ही कैरी वाटर क्रॉसिंग है भाई, देखो चल चल पंकज आगे चल, तो रेस मत छोड़ियो बिल्कुल भी और चलता रहियो, इधर उधर बजे बाइक पैर नीचे कर लियो चल। भाई खतरनाक, मनीष उतर जा, वजन है ना भाई। मनीष धक्का लगवा दे धक्का। चल मनीष धक्का लगवा दे, रख दे यहीं पे, रख दे सामान। जय बजरंग। ओ भाई
ओ भाई साहब। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और सामने एक बोर्ड है, किलार है 71 किलोमीटर्स और शोर 35। बाकी यार रास्ते बहुत ही ज़्यादा भयंकर हैं यार, देखने में भी ऐसे ख़तरनाक लग रहे हैं ना। जिसको भी एडवेंचर करना है भाई आ सकता है भाई इस तरफ। क्या है ना, लद्दाख साइड तो बढ़िया प्लेन रोड बन गई है, बट दिस इज़ एडवेंचर मैन, बहुत बढ़िया एडवेंचर, मज़ा आ गया भाई। खैर मैं अभी एक और ग्लव्स लेके आया था, मैंने बचा रखे थे, बारिश रुक गई तब पहन लूँगा, पहन लिए वापस से। ये देखो यार यहाँ के जो पहाड़ है ना भाई, पत्थर टूटने वाले भाई, निकल जाओ समय रहते। हमेशा आप कभी भी ऐसे रास्ते पे आए, अपनी आंखें और सब कुछ ध्यान लगा के रखें रास्तों पे और साइड चट्टानों पे भी। अगर आपके साथ कोई पीछे बैठ के आ रहा है तो उसको एक काम दे दें, उसको बोलें कि आगे तक देखे पहाड़ों की तरफ और आप ध्यान रखो रोडों की तरफ। खैर यार देखो, मैं तो अपनी एडवेंचर बाइक पे हूँ, स्क्रैम 411, पर मेरे जो साथी है वो पल्सर 200 पे कर रहा है, तो उसको भी यार सल्यूट है। ऐसी रोड पे चलाना, वो भी एक स्पोर्ट्स बाइक, एक तो उसका पोस्चर ऐसा है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है। मैं चलाऊं तो भाई मेरे से तो नहीं चलाई जाती, सच बताऊं तो दर्द करने लग जाते हैं यार हाथ कमर वगैरह सब। अपन को यार यही कंफर्टेबल लगती है तो इसलिए इस पे राइड कर लेते हैं अपन। भाई नैरो रोड होते जा रहे हैं, ये देखो भाई बिल्कुल छत्ते के ऊपर है भाई, भयंकर, कतई भयंकर भाई कतई। तो यार एक बार मैं बता देता हूँ, क्या है ना मेरे को नॉलेज नहीं थी रास्ते में एक दो चीज़ें क्या पड़ेगी। तो आज हमने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी टांडी से, टांडी से हम त्रिलोकनाथ मंदिर होते हुए उदयपुर होते हुए अभी हम टिंडी की तरफ जा रहे हैं, और फिर आएगा किल्लार, किल्लार के बाद आता है हमारा सूरल भटूरी। तो किल्लार से किश्तवाड़ शायद आपने से बहुत लोगों ने सुना होगा, सबसे डेंजरस रोड में से आती है वो इंडिया की। तो अभी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं लगा लो, और रास्ते आप देख ही सकते हो यार कतई भयंकर। अभी लगभग जो है 4 बज गए हैं, हम लोग अभी पहुंचे हैं टिंडी और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है यार। तो पहले देखो यहाँ पे हमने खड़ी कर रखी है, और ये पूरा जो है टिंडी विलेज है, और देखो ये शॉप है छोटी सी, यहाँ से इसका एंट्रेंस। यहाँ पे भाई हाथ से बढ़िया आग चल रही है, ये सुखा दिया। ओ हाँ सुखा ले सुखा ले, मेरे भी ग्लव्स दे दियो। वो यार मोटे वाले सुखा दे, जो वो जल जाएंगे, जल जाएगा। नहीं चला नहीं चला भाई, मैं पानी तो नहीं जलेगा, तो थोड़ी देर ऐसे लग रखा था, चिपक जाएगा, तो थोड़ा पास रख दे इसके, यहाँ पे रख दे। तो ये आगे भाई हमारे मोमो, चाय पी ली हमने, ऑमलेट, और ये पुदीने की चटनी। चल भाई मनीष खा भाई, तो रख देना, किसको रख दूँ। और ये भाई कांप रहे हैं तीनों ठंड से, कैसे हैं भाई, बढ़िया भैया, ना चटनी बहुत अलग है, पकड़े थे। आपने खाए होंगे मिर्च वाली चटनी, यहाँ खाओ पुदीने वाली चटनी, चटरा भाई चटनी बढ़िया, खाओ भाई, ये लो भाई चख लो। बंदर है आगे की, नहीं बंद है अभी, देख आवाज।
कर कर तेज किए दे दे बाय बैठ हे तो अब निकलते हैं यहाँ से टिंडी से। अभी थोड़ा और लंबा सफ़र है। बड़े टाइम के बाद बहुत ही अच्छी रोड आ गई है। हाँ हाँ मज़ेदार क्या सही रोड है यार। ये ऐसी रोड जब बीच बीच में आए ना ओ चिड़िया कहाँ पत्थर गिरे मेरे भाई मुंह पे गिरे पागल के देख के। ओके ये देखो भाई राइट से देखो कहाँ से पानी निकल रहा है पहाड़ों में से चीरता हुआ पानी पानी। भाई वाटर क्रॉसिंग तो बहुत है इस रास्ते पे। ओ गो विद द फ्लो तेरी मोटे पत्थर हैं इसके अंदर। ओ भाई आधी बाइक डूब पैर लगा उठा 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 ना कंप्लीटेड साहब। इतना बहुत तो होता रहता है। हाँ भाई मेरे जूते में है ना पानी भर गया क्योंकि ऊपर तक पानी होता है ऊपर से भर रहा है पानी सामने से नहीं भर रहा। बाइक गिर गई यहाँ पे ना लगी वगी नहीं खड़ी खड़ी गिर गई। मनीष लगी तो नहीं ना तेरे को वो देख फंस गई। पकड़ियो गाड़ी फंस गई यार। भाई इजी नहीं है बिल्कुल भी भाई। चलते हैं थोड़ी हेल्प करा देते हैं इनकी। भाई पीछे करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से अटकी हुई है पीछे करके यहाँ से काटनी पड़ेगी। धक्का लगवा देते हैं धक्का लगाए पीछे से। यहाँ पीछे से मारे आगे हम भी पहली बार जा रहे बताओ पीछे से धक्का मारे आगे से है ना पीछे से मारते हैं। चलो इधर से आ जा भाई 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 सुनो वो टायर घूम नहीं रहा वो टायर नहीं घूम रहा भाई
घूम गया अब करो हो जाएगा अब देखो वैसे तो हम लेट हो गए हैं पर कोई नहीं यार, अगर हम नहीं होते हम तो जैसे चार लौंडे हैं तो इनकी हेल्प कौन करता क्योंकि गाड़ी भी नहीं आ रही और लेडीज भी थी इनके साथ, तो हमने हेल्प करा दी। अभी ये चले जाएंगे आराम से। भाई यहाँ से बहुत ही टाइम लग गया, यहाँ पे बैठ। तो ये देखो भाई अब आ गई बर्फ की बड़ी बड़ी दीवारें। आ रहा है पीछे पुरानी बर्फ है, इतनी मिट्टी जम रखी है ना बर्फ में भी, पर ये पिघल के जा ही नहीं रही किधर भी। यार रात हो जाएगी आज पहुंचते पहुंचते, अभी तो हम किल्लार भी नहीं पहुंचे। यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया यार, किल्लार रह गया है 39 किलोमीटर्स दूर। और वंस अगेन रोड मिल गई अच्छी। भाई बहुत भयंकर रास्ता, बहुत डेंजर यार। देखो वो देखो हमसे भी नीचे बादल चल रहा है। बदल ही आ गए जमीन ते। बादल ही बादल भाई, सब देखो हमारे सामने बादल है। ऊपर देखो और ओ भाई इतने बड़े पहाड़ भाई साहब, इतनी करीब बादल। ओ भाई बहुत अल्टीमेट लग रहा है यार। ओ यार ये देखो बादलों में आ गए अब हम, ये फॉग दिख रही है आगे पूरी, ये पूरा बादल है, यानी हम दूर से देख रहे थे तब पता लग रहा था, अभी हम बादलों के बीच से जा रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यार ये। हाँ और ठंड बढ़े जा रही है और अंधेरा भी होता जा रहा है। किल्लार ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स रह गया है यहाँ से, अब धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है। और भाई रास्ता बहुत ही फिसलन वाला यार, ये कीचड़ है इसमें। मैं तो इधर ही चला रहा हूँ भाई इस साइड, भाई बहुत ही ज़्यादा कीचड़ वाला रास्ता है ये। देखो ओ कमॉन वी कैन डू इट परफेक्ट। हाँ रात को भी वाटर क्रॉसिंग। अभी हम पहुँचे हैं किल्लार भाई, रास्ते की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, इतना स्लश है ना भाई, बहुत फिसल रही है बाइक। अभी 26 किलोमीटर और है, एक डेढ़ घंटा लगेगा और टाइम अराउंड 9:30 बज गए हैं। बैठ तो चलो भाई निकलते हैं। आप ये देखो यार स्लश कितना है, मतलब बाइक है ना फिसल रही है बहुत ना, तो इसलिए बहुत स्लो स्लो चलानी पड़ रही है। ये देखो अरे अभी से नहीं है भाई, बहुत पहले से है रास्ता ऐसा, लगा लो एक घंटे में अराउंड हम 20 किलोमीटर के आसपास ही कवर कर पा रहे हैं।
पर कोई नहीं, पहुंच जाएंगे आराम आराम से। ये देखो यार खतरनाक भाई, खतरनाक बहुत। हाँ एक शब्द याद आ रहा है बार बार, खतरनाक भाई। लद्दाख कुछ भी नहीं है भाई इसके आगे, कुछ भी नहीं, सच बता रहा हूँ। लद्दाख भी करके आ रखा हूँ। चलो एक बार बोर्ड पे नज़र मार लेते हैं, वेलकम यू टू किल्लार। और भाई तारे अभी हम पीछे रुके थे, थोड़ा हाथ हाथ में दर्द हो जाता है ना तो रुकना पड़ता है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, 5-10 मिनट अराउंड। तो हमने भाई बाइक वगैरह की सबकी लाइट बंद करी और एक बार ऊपर नज़र मारी, भाई इतने तारे दिख रहे हैं सच में भाई। देखो खूबसूरत जगह जाने के लिए मेहनत तो लगती है, पर वंस अगेन वर्थ इट है, बार बार बोलूँगा वर्थ इट है यार। 26 किलोमीटर अगर ऐसा रास्ता है तो वी कैन डू इट फास्ट, क्योंकि 26 किलोमीटर या 1.5 घंटा गड़बड़ लग रही है, तो मैप में गड़बड़ है, मैप में ही गड़बड़ होगी अगर ऐसा हुआ तो। तो गाइस हम पहुंचे हैं सूरज ताई एक जगह का नाम है, भटूरी से थोड़ा कुछ पीछे है, और हम जो है 12 बजे पहुंचे हैं भाई। क्या बताऊं, सारे कपड़े जो थे ना वो भी भीगे हुए हैं, ड्रायर मार मार के सुखाया है, अभी नहाए, अभी कुछ खाने जाएंगे। तो चलो यार इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, उम्मीद है आपको व्लॉग जो है वो बढ़िया लगा होगा, बढ़िया लगा है तो नीचे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।